मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कारगिल विजय दिवस के मौके पर बोकारो में पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी की ओर से देश के लिए शहीद सैनिकों को याद किया गया। कारगिल दिवस पे बोकारो वासियों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले बोकारो वासियों को कारगिल विजय दिवस पर बहुत बहुत बधाई। आज 25 साल हो गए हैं इस विजय दिवस को। कहाँ 16,000 फीट की ऊंचाई पे वो पाकिस्तानी सैनिक या घुसपैठिए कब्जा करके बैठे थे और 2 महीने के अंदर 27 मई से 27 जुलाई 2 महीने के अंदर ही हमारे सैनिकों ने पूरी वीरतापूर्वक पूरे एरिया को रिक्लेम किया और अपनी वीरता को गौरवान्वित किया। इस भारत का पूरा अखंडता को बनाए रखा और इनके एक अखंडता को और पूरे राष्ट्र को मजबूत करने का पूरा संदेश दिया। 531 आदमी उनका बलिदान हुआ और करीबन 2,000 के करीब सैनिक जख्मी हुए, लेकिन एक अखंडता और एक अपनी सुरक्षा भारत की सुरक्षा का जो उन्होंने योगदान दिया, खासकर कैप्टन बत्रा जो बड़े फेमस विक्रम बत्रा ये दिन मांगे मोर करके जो उन्होंने नारा चला, तो उससे मेरे ख्याल पूरे जो हमारे यंगस्टर हैं उनको एक संदेश उन्होंने दिया कि देश की सुरक्षा के लिए चाहे वो आप सैनिक बने चाहे पुलिस सेवा में जाए दिवस है 25वां। आज हम लोग कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं 25वां। ये तो हम लोग बहुत सराहनीय है कि ये सभी लोग जुटे हैं हम लोग और ये पावन तिथि में हम लोग इस तरह से मना रहे हैं, ये उत्सव मना रहे हैं। ये हम लोग के लिए काफ़ी है और बच्चों के लिए जो मतलब एक प्रेरणा मिलता है ये बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे बच्चों के तरफ भी हम लोग को ध्यान देना है कि वो अपने देश के लिए जिस तरह से के आगे के लिए आगे बढ़े और जिस तरह सेनानियों ने हम लोग के इस कारगिल जो विजय हुआ है अपने बलिदान दिए हैं उनको ही हम लोग याद करते हैं इस दिवस पे। ये हम लोग के जो इसके संस्थापक हैं यहाँ के काफ़ी उनका काम जो है काफ़ी सराहनीय है और जिस तरह सेनानियों ने पाकिस्तान को हराया है उस वक्त जिस वक्त हम लोग के देश के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि उन लोग धीरे धीरे अपना पैरा ट्रूपर्स घुसा दिए थे लेह में और हम लोग चाहते थे उनको लेह को पूरे देश से अलग कर देना उसे धीरे धीरे घुस, लेकिन हम लोग को जो पता चला तो काफ़ी उत्साहपूर्वक मेरे सैनिकों ने अपने उन लोग को हराया है, जबकि उन लोग काफ़ी ऊँचे स्थान में पहुँच गए थे होते हैं पूरा अपना पैरामिलिट्री हम लोग का एयरफोर्स तो है, एयरफोर्स को भी यूज़ करना पड़ गया था और उनको हरा करके पीछे हटाया और अंतर्गत तो हम लोग जीत के उन लोग को दिखा दिए और उन लोग को हर बार उन लोग कुछ ना कुछ करते हैं चाहे 65 हो 71 हो या कुछ करते हैं लेकिन वो हार के भी हार जाते हैं, लेकिन उन लोग को हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है कि हम लोग कुछ कर देंगे लेकिन हमेशा उनका जो इरादा जो नापाक इरादा को हम लोग चूर चूर कर देते हैं और उनको अपने शर्मसार होना पड़ता है। धन्यवाद। कारगिल दिवस पर सर्वप्रथम बोकारो वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम उन शहीदों जिन्होंने कारगिल दिवस में अपनी जान गंवाई है उनका नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं हर बार हम याद रखेंगे। 25 साल हो गए लेकिन ये दुखद चीज़ हम लोग आज तक भूल नहीं पाए। सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों ने प्राण गंवाए और शहीद हमारे देश की रक्षा करते हैं और उन्हें हम हमेशा नमन करते रहे। Thank you.
मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।